नमस्कार, मैं अंजना और स्वागत आपका अमलान बाग के सेगमेंट गार्डनिंग 101 में। गार्डनिंग 101 में हम अक्सर उन टॉपिक्स पर बात करते हैं जो कि बेसिक गार्डनिंग से रिलेटेड हैं। पिछले वीडियो में हमने बात की थी किस तरीके से सॉफ्ट प्रूनिंग और हार्ड प्रूनिंग के जरिए आप कटिंग्स लेकर के लगाइए ताकि रूट्स डेवलप हो जाए, ताकि हम फ्री में नए पौधे बना पाए। इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, आप उसे देख लीजिएगा। उसके आगे आज हम चलेंगे कि किस तरीके से इन डेवलप्ड कटिंग्स को हम ट्रांसप्लांट करें। कमेंट में मुझे कई दफा ऐसी बातें सुनने में पढ़ने में आती हैं कि ट्रांसप्लांट करते वक्त या रीपॉटिंग करते वक्त पौधा मर गया जबकि पहले बहुत हेल्दी था। तो कुछ ऐसी खास बातें होती हैं जो हमें इस वक्त ध्यान रखनी होती हैं और उन सभी बातों पर आज बात करेंगे। लेकिन आगे चलने से पहले एक अनाउंसमेंट करना चाहूंगी। आज है 15 सितंबर। 15 सितंबर की रात से 16 सितंबर की रात तक 24 घंटे के लिए ग्राफी ऐप पर एक फेस्टिवल हो रहा है और उस फेस्टिवल में सभी ग्राफीज का फर्स्ट चैप्टर फ्री में अवेलेबल है। इसी ऐप पर मेरा भी एक कोर्स है, द आर्ट ऑफ मिनिएचर गार्डनिंग। देखिएगा, फर्स्ट चैप्टर फ्री में आपको मिलेगा और अगर आपको ये कोर्स पसंद आता है तो उसे जरूर ले लीजिए। मिनिएचर गार्डनिंग पर ये मेरा एक कंप्लीट बहुत अच्छा कोर्स है। चलिए आप चलते हैं आज के टॉपिक पर, इन कटिंग्स को किस तरीके से ट्रांसप्लांट करें, किन खास बातों का ध्यान रखें। सबसे पहली बात ये जानना कि कटिंग तैयार हो गई है या नहीं हुई है, और इसकी पहचान ये होती है कि जब आपका पौधा, जो आपकी जो कटिंग थी, जब वो आपको ऐसा लगता है कि पत्तियां बहुत क्रिस्प हैं, खड़ी हैं, नई पत्तियां आ रही हैं, और जब आप इसको उठा करके देखेंगे, खींच के देखेंगे ऊपर की तरफ, ये ऊपर नहीं खींचेगी, तब ये पहचान लीजिए कि आपके पौधे की रूट्स डेवलप हो चुकी है और वो टाइम सही है जब आप इस कटिंग को कोकोपीट में से निकाल करके सही सॉइल मिक्सचर में लगा दें। बहुत दिनों तक अगर ये कटिंग कोकोपीट में ही पड़ी रही तो इसका डेवलपमेंट रुक जाएगा, क्योंकि कोकोपीट में कोई न्यूट्रिशन नहीं होता है। दूसरी जरूरी बात ध्यान रखने की होती है कि आप जिस भी पॉट में अपने पौधे को लगाने वाले हैं उसको बहुत अच्छे से साफ कर लीजिए। पुराना गमला है तो उसको धो लीजिए, उसको धूप में रख लीजिए। अब इसकी वजह यह होती है कि मॉनसून में बहुत कीड़े डेवलप होते हैं और वो कीड़े या फंगस अगर आपके गमले में लगी हुई है या मिट्टी में लगी हुई है तो वापस नए पौधे को खराब करती है। तो बारिश के बाद जब भी हम कोई पौधा लगाते हैं, इन सभी गमलों को धो लीजिए, इन्हें धूप में स्टरलाइज कर लीजिए 3-4 दिन, साथ ही मिट्टी को भी धूप में अच्छे से फैला करके धूप लगने दीजिए। इस धूप को लगने से ये सॉइल सनबेक्ड हो जाती है, इसके अंदर के सारे जीवाणु, कीटाणु, फंगस सब खत्म हो जाता है और फिर जब उसमें नया पौधा लगेगा तो फिर वो पौधा हमेशा हेल्दी रहेगा क्योंकि वो कीटाणु फ्री हो गया। तीसरी जरूरी बात होती है सही सॉइल मिक्सचर को तैयार करना और सही तरीके से गमले को भरना। अब देखिए इसका तरीका क्या है। ये मेरे गमले में धूप लग चुकी है, इसमें हमें नीचे ठीकरी डालनी है। जो भी छेद होता है उसे ठीकरी से कवर कर दीजिए, एक नहीं 2-3-4 ठीकरी डाल दीजिए ताकि छेद अच्छे से कवर हो जाएगा। सॉइल मिक्सचर की अगर बात करें तो इसमें एक भाग मिट्टी, एक भाग कोकोपीट और ये एक भाग खाद मैं डाल रही हूँ। साथ ही हर पॉट के हिसाब से 2-2 चम्मच मैंने ये बोन मील और नीम खली ले रखी है, ये भी ऐड कर देते हैं और फिर इसे बहुत अच्छी तरह मिला लीजिए। एक बार जब आपकी मिट्टी बहुत अच्छे से मिक्स हो गई उसके बाद गमलों में मिट्टी भर दीजिए। आधे गमले में मिट्टी भरने के बाद पानी इसीलिए डालते हैं ताकि नीचे तक आपकी मिट्टी अब गीली हो चुकी है और पौधा जब इस मिट्टी पर सेट होगा तो उसे बहुत मॉइस्चर शुरू से ही मिलता रहेगा। अब बात आती है पौधे को किस तरीके से निकालना है, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है। कोई भी ऐसी नुकीली चीज लीजिए और पौधे के चारों तरफ से हल्का हल्का इसे डाल करके धीरे से रूट्स को रिलीज कीजिए और पूरा रूट बॉल एक साथ इस तरीके से निकाल लीजिए और इसको ऐसे ही सॉइल मिक्सचर पर सेट कर दीजिए और इसके बाद चारों तरफ मिट्टी भरकर अच्छे से दबाते हुए एक बार फिर से वाटरिंग कर लीजिए। गमले के ऊपर 1 इंच की जगह आपको खाली छोड़नी है ताकि पानी देने के लिए जगह सफिशिएंटली बची रहे। पौधा तो लग गया, अब पांचवी सबसे जरूरी बात है जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि पौधा आपको शाम के वक्त लगाना है। शाम के वक्त लगाने की वजह ये होती है कि दिन में पौधा फोटोसिंथेसिस में बिजी रहता है, बहुत काम है उसे, रात के वक्त वो आराम से रेस्ट करता है। वो रेस्टिंग पीरियड में वो नए माहौल में सेट हो जाता है, तो उसे एटलीस्ट 12 घंटे सेट होने के लिए मिल जाते हैं और यही वजह है कि जो भी काम आप करते हैं रीपॉटिंग का या ट्रांसप्लांटिंग का, ये सभी शाम के वक्त कीजिए। छठी बात पर आते हैं कि ट्रांसप्लांटिंग के बाद इन पौधों को कहाँ रखना है। इन्हें पूरी तरीके से छाया में रखिए, करीब 5-7 दिन तक कंप्लीट शेड में रखिए।
उसके बाद इसे एक हफ्ते के लिए सेमी शेड में शिफ्ट कर दीजिए और धीरे धीरे उसके बाद अगर वो पौधा सेमी शेड का है तो उसे वहीं रहने दीजिए और अगर वो सन लविंग पौधा है तो उसे धूप में ले जाइए। इस तरीके से ग्रेजुअली इसको सन का एक्सपोजर दीजिए। ये एग्जैक्टली हमारे बच्चों की तरह होता है, जैसे छोटे बच्चों को हम धीरे धीरे फीड करते हैं, धीरे धीरे उनका खाना बढ़ाते हैं, वैरायटी बढ़ाते हैं, उसी तरीके से पौधों को भी धीरे धीरे धूप बढ़ाइए, धीरे धीरे वैरायटी बढ़ाइए उनके फर्टिलाइजर की, तो वो अच्छे से रह पाते हैं। एक और लास्ट लेकिन जरूरी बात कि जब हमने ये पौधे को ट्रांसप्लांट किया है इसके बाद ये पौधा सीधा सीधा ग्रो करने लगेगा। इस वक्त आपको प्रूनिंग करना बहुत जरूरी है। मैं जानती हूँ आपने नया नया पौधा लगाया है, उसको बढ़ता हुआ देखते हुए आपको बहुत खुशी होती है, लेकिन अगर इस वक्त हमने प्रूनिंग नहीं की, जैसे ही ये 15 दिन बाद ये इतना बड़ा हो जाएगा तो इसे काट दीजिए। काटने के बाद इसकी पिंचिंग करते रहिए ताकि ये घना होता रहे। किस तरीके से पौधे को बुशी बनाएं इस पर भी मेरा एक वीडियो है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, आप जरूर देखिएगा, ताकि आपके पौधे को जब इनिशियली आप ट्रेन करेंगे तब उसकी शेप अच्छी बनेगी। एक दफा आपने उसको बढ़ने दिया फिर वो आपके काबू में नहीं आएगा। तो ये थे ट्रांसप्लांटिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो हमें ध्यान रखनी है, और आने वाले वक्त में आपको बहुत ट्रांसप्लांटिंग करनी पड़ेगी, बहुत सारे सीड्स लगाएंगे। आने वाले वीडियोस में हम विंटर्स के वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, सबकी नर्सरी क्रिएट करेंगे और सबको ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, मेथड यही होगा। तो इस वीडियो को सेव करके रखिएगा, ये हमेशा आपके काम आएगा। और जहां तक कहने की फॉर्मेलिटी है, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, मुझे पता है वो सब आप कर ही देंगे, तो वो सब करते रहिएगा और वीडियोस से जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।